चलो गाइस लिफ्ट फुल पूरी पूरी। अभी कुछ आया पसंद? अरे बाप रे, नागिन आ चुकी है अपना ढोंग दतुरा लेके। बाय 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 बाय। हे गाइस गुड मॉर्निंग, स्वागत है सभी का आज के न्यू व्लॉग में। होप करता हूँ सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, एकदम मजे ले रहे होंगे अपने अपने घरों में। सो गाइस अभी का सीन ये है, आज है भाई दूज। अभी का सीन ये है, घर में आ रखे हैं गेस्ट बहुत सारे। मेरी सिस्टर आई है बड़ी वाली, मामा जी आए हैं और मेरे साले और साली भी आ रहे हैं आज। बहुत ही मस्त सा माहौल हो रहा है घर में। तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ क्या तो बन रहा है खाना। और आज विनय ने देखो कुछ अलग सा पहना है। और क्या क्या बना है आज खाने में? चावल दाल फलके कड़ी और मिर्ची के फलके, मतलब ये कौन सा नाम हुआ फलके? अरे यार मजे ले रहे हो। रोटियां हैं, चावल दाल और रोटी, फलके बोलते हैं इनको। फलके बोलते हैं, चावल दाल के साथ फलके बोली जाती है रोटी। और वो क्या बन रहा है वो पीला पीला से कुकर भर के? बाबू की कड़ी। डबल मीनिंग बात कर रहे हैं, सब्सक्राइबर समझेंगे नहीं। और गाइस ये है हमारे सबसे बड़े मामा जी, भाई दूज का तिलक लगा रही हैं और धागा बांधेंगे। तो गाइस ये हमारे सबसे बड़े मामा जी है, मतलब 6-7 भाई बहन ही हैं, उनमें सबसे बड़े यही हैं, फिर हमारी मम्मी है। और जिया जी भी आए हैं आज, जिया जी के साथ जिया जी का पेट भी आया है। पेट आया। ये नंगा आदमी कौन है यहाँ पे? नंगा। और ये बाबू आया है नए कपड़े पहन के। नए कपड़े पहने? हाँ नए कपड़े पहने आज बाबू ने। एंड भैया अपनी दाढ़ी मूछ बना रहे हैं यहाँ पे। शेव करना बोलते हैं। अच्छा शेविंग कर रहे हैं भैया यहाँ पे। चलो गाइस अब मैं भी नहा धो लेता हूँ, मैं भी नहाया नहीं हूँ सुबह से। आज मैं मॉर्निंग में 5:30 बजे उठ गया था, 5:30 बजे उठ के ब्लॉग एडिट करके अपलोड कर दिया था। तो चलो फटाफट मैं भी नहा के आता हूँ और नए कपड़े पहनते हैं जो मैं रिलायंस ट्रेंड से लेके आया था। आओ जी आओ जी, खुश रहो बेटा। अभिषेक तन्नू भी आ गए और मैं नहा धो के रेडी हो गया हूँ मस्त। बताना कैसे लग रहा हूँ, ये वही है जो रिलायंस ट्रेंड से लेके आए थे ना, अब करवाते तिलक। चलो गाइस हम तो बैठ गए लाइन में, भैया भाभी मैं और ये आगे वो तो है ही नहीं, बहने तो और हम आके बैठ गए। इस बात पे आपका क्या कहना है? आ रहे ना बोल के गए यार। तेरे भाई बाय। ये लो पहली बारी है भैंस की क्योंकि ये है बड़ी, और फिर है नागिन की बारी। सो गाइस अभी नागिन आ चुकी है अपना ढोंग दतुरा लेके। ये देखो ये अपने साथ ढोंग दतुरा साथ लेके चलती है, ये पागल बनाने का तरीका, लूटने का तरीका हमको। अच्छा 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 खाले खाले। सो गाइस ये देखो ऐसे माला पहनाती है हमको ये, और फिर ज्यादा पैसे ऐंठती है। 5-5 रुपए की माला लेके इनके 20-20, 50-50 लेती है हमसे। तो गाइस अब बारी है विनी की। चलो गाइस भाई दूज कंप्लीट, सबने सारी बहनों ने अपने अपने भाइयों को जो है तिलक लगा दिया है, धागा बांध दिया है। अब बारी है खाना खाने की, तो चलो खाना वाना खाते हैं। अब सभी अंदर मस्ती करने लग रहे हैं, सो पूरा रूम हाउसफुल है। खाना खाने से पहले छोड़ते हैं थोड़े बहुत बम, मेरे पास ये हैं बच और भी है वैसे तो, और ये वाले सबसे धांसू है। चलो लगाते हैं आग। अभिषेक जी लगाएंगे, लगाओ माचिस। ये लो माचिस। पूरा बार है रे, भागो भागो। चलो गाइज इट्स लंच टाइम, और आज लंच में है भाई साहब कड़ी है, दाल है, मिर्ची का टरपोले, रोटी, 2 तरह की नमकीन और 2 तरह की मिठाई, और वही घी बूरे वाले चावल। तो गाइस अभी का सीन ये है, हमारे पास है ये डब्बा जिसके अंदर हमने वो माला डाल दी नागिन लेके आई थी जो, और ऊपर से हम डाल रहे हैं इसके अंदर बुलेट बम खतरनाक वाला। चलो शुरू करो, हट जाओ, दूर हो जाओ बच्चों, दूर हो जाओ दूर। बड़ा वाला बम फोड़ते हैं, ये बड़ा ही है बेटा, इसका तगड़ा धमाका है। गाइस देखो क्या हुआ है डब्बे का, फूल ही फूल बिखर के चारों ओर। अभी तो इसमें और लगाएंगे गाइस, टेंशन मत लो, इसको पूरा चिथड़े उड़ाएंगे इसका। रेडी? चलो फूल कैसे उड़े? फूल तो ऐसे उड़े, ऊपर से डालने पड़े इसके ऊपर यूं। मैं रख दूंगा, मैं क्या अपन को छोड़ के डब्बा उल्टा करके बगल चीज था, इतना टाइम नहीं मिलता लेके। मैं रख दूंगा, नहीं वो भाई साहब रख दूंगा, छोड़ दो शांति से रख दूंगा, ज्यादा डेयरिंग मत बनो।
इसके अंदर पहले ही फिट कर दो, खा ले करो। नहीं पहले नहीं, फूलों के बीच में फिट करो, फूलों के बीच में फिट करो। फूल नहीं उड़ेंगे डिब्बे से, जब भी तो उड़ेंगे। आप अपने फूलों के बीच में फिट कर दिया इसको, आप दूसरा उड़ाएंगे, देखते हैं क्या होता है। कोशिश तो हमारी फूल उड़ाने की है और ये आ गए। ओ भाई डब्बा उड़ा पर फूलों की माला, फूल इसके अंदर ही बिखर गए देखो। सो गाइस अब हम लगा रहे गंगा जमुना और इसको रखेंगे ऊपर से, आप लोग देखना क्या होता है। ये भाई साहब मैंने लगा दिया है, अब देखना क्या होता है। ये डब्बा गया पूरा, अरे पहले तो डब्बा पूरा सिकुड़ा ऐसे, बम देने से फूट गया भाई। ये डब्बे के अंश मिले हैं कुछ। सो गाइस अब मैं रॉकेट छोड़ने वाला हूँ हाथ में, क्योंकि हमारे पास बोतल वगैरह कुछ भी नहीं है, तो मैं हाथ में छोड़ूंगा इसको ऐसे करके, बस हाथ ना जले। तो गाइस अभी आई है बुआ जी हमारी और पापा ने पकड़ लिया, पापा ने तो निकलवा लिया, चिल्ला कब भिजवा लिया, हम तो कटवा लिया बोलेंगे। तो ये हमारी बुआ जी है गाइस, वैसे एक बुआ जी और है हमारी, वो आई नहीं है। गाइस देखना इसने क्या किया है, इसने ये क्या है, हम तो यहाँ बैठ के तिलक कटवा रहे थे और इसने क्या किया है। चाची के लिए पिछड़ी लगा ली बेटी ने, अरे यही मिलेगी तेरे को लगाने के लिए। तो भाई अभी का सीन ये है, शाम के बज गए हैं 7 और अभी हम लोग जा रहे हैं पिंक स्क्वायर और ये यहाँ पे तैयार होने लग रही है। हो लगाओ लगाओ लगाओ, क्या लगा रहे थे, लगाओ लगाओ। तो गाइस अभी का सीन है, आधे लोग तो बाहर आ गए, हम सभी लोग ये वाली गाड़ी भैया को दे दो, आप वो ले लो, इसमें 3 जने बैठा लेंगे भैया और फिर अपन जितने अपन साथ बैठेंगे अपने उतने अपन बैठा लेंगे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, तालियां 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 तालियां। ये आईडिया काम नहीं आएगा। ये गाइस सभी लोग जा रहे हैं हम लोग। तो गाइस चलो पहुंच गए पिंक स्क्वायर, ये हमारी गैंग है पूरी, देखो सभी लोग आ गए। हेलो गाइस लिफ्ट फुल पूरी पूरी अपनी फैमिली से। कौन से फ्लोर पे चलें, ग्राउंड पे, ग्राउंड हाँ ग्राउंड पे छोड़ दो। किस किस के चक्कर आ रहे हैं, एक कैंडिडेट है सिर्फ चक्कर वाला, तेरे को भी आ रहे हैं। इसको बाहर करो, इसको बाहर करो, निकाल चल। तो भाई सबसे पहले जा रहे हैं हम लोग रिलायंस स्टैंड में गेड़िया मारने के लिए, देख के आते क्या क्या है। तो सारी की सारी फौज हमारी एस्केलेटर पे मजे करती हुई, ये देखो वाह बेटे वाह मौज करती, सब अपने अपने ढंग से उतरते हुए नीचे। तो गाइस अभी हम तो साथ घूम रहे हैं और वो पता नहीं कहाँ गए सारे के सारे, मैं भैया और अभी से एक साथ में, हम लोग तो ऐसे ही देख रहे हैं पता नहीं क्या 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 क्या, बढ़िया टाइम पास हो जाता है इधर। तो ये यहाँ ये लोग बर्तन देखने लग रहे हैं, चूल्हा का चूल्हा ये क्या होता है, 3 चूल्हों का चूल्हा। तो ये यहाँ पे जो है चम्मचे देखने लग रही है। हाँ भाई कुछ आया पसंद, अरे बाप रे ये फ्री की नेल पेंट लगाया ही, देखना अलग अलग कलर की दिखाना, वाह बेटी वाह। ये देखो दोनों बहन भाई इसके अंदर बैठ गए और आप खुद ही चला रहे हैं इसको, देखो खुद ही चला रहे हैं, सामान गिर जाएगा ये देखो। अबे उधर मत ले जा, उधर कहाँ ले जा रहा है गाड़ी, तो किसी बच्चे को भला कर लो। अच्छा बताओगे तेरे को अभी बच्चे का भला कर लो, तेरे पास 100 रुपए है खरीद ले, क्या खरीदेगी, सब थक हार के यहाँ बैठ गए। क्या तो विनी बोल रही है पॉपिंग चाहिए इनको, तो पॉपिंग लेके आता हूँ उधर से। चलो गाइस अब चलते हैं बर्गर किंग, बर्गर खाते हैं फिर चलेंगे घर पे, मस्त टाइम पास हो गया, सब अपने अपने तरीके से आएंगे। अब आ जाओ भाई आ जाओ, ये लाइन पूरी हमारी है, भूख लग रही है अब तो भयंकर वाली। तो भाई अभी हम लोग वो ऊंची वाली सीट छोड़ के उधर आ गए, सारे लाइन सारे हम लाइन से यहाँ बैठेंगे। अब मैंने ऑर्डर कर दिया है तो वो लोग वहाँ पे बैठे हैं और हम लोग जा रहे हैं सुसु करने के लिए, हम तीनों सुसु लग रही है बहुत जोर से यार, जब से आए तब से सुसु ही नहीं करी हमने। किस किस को लग रही है और इसको देखो कैसे बैठी हुई है। हाँ भाई भूख लग रही है, तो मैं तो सुसु कर यार उनको वहीं छोड़ यार, मैं सबसे पहले करके आया, देखते हैं बर्गर रेडी हुए कि नहीं हुए। गाइस हमारा ऑर्डर रेडी है और सब बहुत भारी है, तो हमारे टोटल 9 बर्गर हैं, सब अपना अपना उठा लो भाई। तो एक आइसक्रीम भी ऑर्डर की थी वो भैया ने ले ली, लो भाई खुशबू सूंघ लो और कोई कोई ले लो, जिसको खुशबू सूंघनी है खुशबू सूंघ लो। तनु का आज फास्ट है सो सी कांट ईट, बट हम उसको खुशबू तो सूंघा सकते हैं। लो सर हैप्पी बर्थडे, अरे तू कहाँ ले रही है वापस रख, तू कहाँ ले रही है छोड़, तू तो गुस्सा है ना, देख ना बर्गर के टाइम पे आके बैठ गई, ये तो जैसे वहाँ बैठी हुई थी। लो बेगम आप भी खाओ, साई गाइस मुंह देखो गाइस, गाइस मुंह देखो गाइस, गाइस चलो गाइस खाते हैं, बहुत जोरों शोरों से भूख लगी। चलो सबसे रिव्यू लेते हैं, हाँ भाई मजा आ रहा है। तो ये हमारी पूरी पलटन है गाइस, पूरा एरिया घेर लिया हमने। सर ये किसने कर दी,
ओपन ही नहीं किया। देखो, ये देखो गाइस, मतलब इनका यही तरीका है, हमेशा ऐसे करती हैं, इसमें स्माइली बनाती है फिर खाती हैं। ये इसकी तरह इसने ऊपर बनाया स्माइली। तो गाइस अभी बारी है आइसक्रीम खाने की, सबके लिए आइसक्रीम गए थे। ले भाई सैम। सो अब चल रही है गाइस सॉफ्टी पार्टी, मस्त यहाँ पे फैमिली के साथ में। फैमिली के साथ में एंजॉयमेंट होता है भैया, अकेले मजा नहीं आता है ना। ये देखो ऐसे लड़ाई होती है, ऐसे लड़ाई होती है, तो कुछ लोग ऐसे आते हैं जिनका फास्ट होता है। नहीं वनीला है और चॉकलेट है, वनीला ही है गंवार। और ये हमारी सुभांशी भी यहाँ पे सॉफ्टी खाती हुई। ये देखो पैक कर लो। सो गाइस अभी पापा मम्मी के लिए भी पैक करवा लिए, थैंक यू। चलो गाइस पापा मम्मी के लिए भी पैक करवा लिया है, अब चलते हैं घर पे, 9:30 बज गए रात के। सो गाइस भैया यहाँ पे जो है मसाज करवा रहे हैं। हाँ भाई कैसा लग रहा है? हमको तो पता ही नहीं, हम लोग तो वहाँ सेल्फी पॉइंट पर फोटो खिंचवा रहे हैं और भैया इधर मस्त मसाज करवा रहे हैं। वहाँ पे हम सब लोग फोटो खिंचवा रहे थे और ये भैया तो मसाज करवा रहे हैं, भैया के ऊपर छोड़ दिए सुभांशी। अब ये सुसु कर दे तो भैया तेरे ऊपर, डाइपर लग रहा है क्या? चलो गाइस घर आ गए, पापा को मैंने बर्गर दे दिया है, अब देखते हैं पापा क्या रिएक्शन आता है। अब हम लोग भी खाना खाएंगे गाइस, 10:30 बज गए हम लोगों को पहुँचते। हाँ भाई पापा कैसा है बर्गर? अच्छा है। पापा ने पहली बार खाया है गाइस लाइफ में बर्गर, ये बर्गर किंग का। तो क्या आलू की टिक्किया? हाँ आलू की टिक्किया जैसा है। सो गाइस इट्स डिनर टाइम, कितना ही बाहर का खाना खा लो, कितना ही बाहर का कुछ भी खा लो, पर जो पेट भरता है वो घर के खाने से ही भरता है। और आज खाने में हमारे पास आलू गोभी की सब्जी, रोटी और टरपोले। कितने का है? 2500। बाप रे बस। पिजन का है? पिजन तो कबूतर होता है। हाँ तो सीता है।